अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लाइफ विद किरण उबैद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी अपनी रमज़ान की प्रिपरेशन, जो मैं बनाती हूँ रोल वगैरह चिकन के और जो कुछ भी बनाती हूँ सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रेशर में लगाया हुआ है चनों को बॉयल होने के लिए। यहाँ पे चने बॉयल हो जाएंगे, फिर इनके मैं छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं बना के मैं रख दूंगी। रमजान में फिर इजी हो जाता है, आराम से निकालें, बार बार बॉयल नहीं करने पड़ते। ये देखिए चने मेरे बॉयल हो चुके हैं, मैंने इनको इन शॉपिंग बैग में डाल के तो सील कर लिया ऊपर से। ये देखिए जिप लॉक बैग है, तो इसके अंदर मैंने डाल के सबको मैंने रख लिए हैं। ये पैकेट्स बना लिया, मैं इनको जो है फ्रीज कर लेती हूँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक चीज मेरी रेडी हो गई है, रेडी टू कुक है। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप। तो फ्रेंड्स अब आप सोचेंगे ये मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल वो सामने प्लेट में मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था और इसका मैं कीमा बना रही हूँ। एक्चुअली मशीन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैं इसको ऐसे कीमा बना रही हूँ अच्छे तरीके से। तो बस यहाँ पे कीमा बहुत अच्छे तरीके से बन चुका है और ये एक पीस रह गया था, इसको भी मैंने फटाफट से कर लिया था। और ये अब मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ बनाने के लिए। तो देखिए मैं क्या क्या बनाती हूँ इसके साथ। दो जगह मैंने इसको डिवाइड कर लिया है, तो देखते हैं अब मैं इसके साथ क्या बनाती हूँ। मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं आज हम क्या बनाते हैं। आप लोग भी रमज़ान प्रिपरेशन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग क्या बनाते हैं। और यहाँ पे मैं अब आलू जो है उनको बॉयल होने के लिए रख रही थी, इनको फटाफट से कट करके, तो इनको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। अब तो यहाँ पे मैंने आलू रख दिया। अब दूसरी तरफ मैं चूल्हा चला रही हूँ, यहाँ पे अब चिकन वगैरह को प्रिपेयर करती हूँ मैं, जो सारी स्टफिंग मैंने बनानी है रोल्स वगैरह के लिए। वेलकम, यहाँ पे मैं अपनी रेसिपीज नहीं दे रही हूँ, रेसिपीज आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिल जाएंगी, किरण देसी फूड सीक्रेट्स के नाम से जो मेरा चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जस्ट मैं सारी आपको प्रिपरेशन दिखा रही हूँ, जो जो मैं काम कर रही थी सब कुछ किचन में, सारा व्लॉग बना के मैं दिखा रही हूँ और आप लोग इन्जॉय कीजिए कि मैं क्या क्या करती हूँ किचन में और कितनी जल्दी जल्दी मैं काम कर रही थी। इतना थक गई थी मैं रात को कि आप सोच नहीं सकते। तो यहाँ पे मैं काट रही थी शिमला मिर्च और चिकन वगैरह मैंने बनने के लिए रख दिया हुआ था। वो रेसिपी आप देखिएगा मेरे दूसरे चैनल पर समोसा और रोल्स वगैरह की। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ, जो वेजिटेबल्स मैंने चिकन के अंदर डालनी है, जो रोल्स वगैरह की स्टफिंग है उसमें मिक्स जो मैंने करना है, ये उसके लिए मैं कट कर रही हूँ। और साथ साथ मैं खाने में जो है चम्मच भी हिला रही हूँ ताकि नीचे ना लग जाए जो मैं स्टफिंग बना रही हूँ। उसकी रेसिपीज आप लोग लाजमी देखिएगा मेरे दूसरे चैनल पर, बहुत ही यम्मी किस्म की मैं बनाती हूँ रोल्स और समोसे वगैरह। तो आप लोग ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए आपके घर वाले जो है ना आपके फ़ैन हो जाएंगे कि आप लोगों ने कितना यम्मी किस्म की इफ्तारी करवाई है उनको। एक तरफ मैं आप देख सकते हैं येलो वाली शिमला मिर्च काट रही हूँ, दूसरी तरफ मेरा पैन में जो है चिकन बिल्कुल रेडी है एक स्टफिंग के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा सारा कुछ रेडी हो गया था, अब मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में बच्चों के पास और यहाँ पर बैठ के मैं अपने सारे रोल समोसा वगैरह सब कुछ बनाने लगी थी। ये मैं पट्टियाँ जो है सेपरेट कर रही थी और अब आप लोग देखते जाइए कि कितने प्यारे तरीके से मैं बनाती हूँ। और डेफिनेटली आप लोगों के मुंह में तो पानी आने वाला है, पानी। तो ये मैं लगा रही थी क्रीम, मुझे बहुत अच्छी लगती है पिज़्ज़ा सॉरी समोसा के अंदर जो है ना थोड़ी सी क्रीम भी लगी हो, चीज़ क्रीम थी और उसके अंदर मैं स्टफिंग ऐड कर रही थी, बहुत ही यम्मी बनता है। और मेरे बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे कि कितना प्यारा वो लग रहा है, जैसा कि मैंने आपके साथ कुछ टाइम पहले मैंने अपनी शॉपिंग शेयर की थी रमज़ान की, तो ये मैंने आपको दिखाया था कि मैं वॉल पर लगाने के लिए लेके आई हूँ, तो ये बैग पर मेरे वही लगा हुआ था जो रमज़ान मुबारक से रिलेटेड मैं लेकर आई थी। और टेबल पर भी इंशाल्लाह वो बैग कल लगा देंगे। और सच में बच्चों के साथ रिकॉर्डिंग करते हुए तो इंसान थक जाता है, बच्चों को चुप करा करा के। और पीछे अब आप सुन रहे होंगे रोहान रो रहा था जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी यहाँ पर। तो यहाँ गाइस मेरा बहुत दिल किया था खाने के लिए और मैंने टेस्ट किया था, सच में गाइस सच में यकीन मानिए बहुत मज़े का बना था। आप मेरे दूसरे चैनल पर भी मेरे साथ इन टच रहिएगा, वहाँ पर डिफरेंट रेसिपीज़ मैं लेके आती रहा करूँगी रमज़ान से रिलेटेड। और अभी इंशाल्लाह इसकी रेसिपी जो है मैं इंशाल्लाह कल या परसों डाल दूंगी, समोसा और रोल की रेसिपी, उस पर आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मेरे इसी चैनल के साथ जो है इसमें फीचर में भी मेरा वो चैनल अटैच हुआ हुआ है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके किरण देसी फूड सीक्रेट्स के नाम से है।
तो यहाँ साथ साथ मैं बच्चों के साथ बातें कर रही थी, वो लोग मुझे खूब तंग कर रहे थे बनाते हुए, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एक्चुअली। अगर बच्चे सो रहे हो तो काम करने में आसानी हो जाती है, लेकिन इस टाइम ये दोनों जाग रहे थे और मुझे बहुत तंग कर रहे थे। ये साथ साथ खाई जा रहे थे। तो देखिए समोसा कितना प्यारा बना था, और साथ ही बच्चे जो है ना मेरी ट्रे भी उठा कर ले गए थे। तो गाइज रुकिए ज़रा, मैं आपको एक चीज़ दिखाती। दोनों टेबल के ऊपर चढ़ के मुझे तंग कर रहे थे, इतना इन्होंने तंग किया हुआ था मुझे इस दिन। और ये देखिए ज़रा इसके काम, यहाँ पे अब मैं साथ साथ समोसा पैटिस बनाना शुरू हो गई थी। आप देख सकते हैं पट्टियाँ जो हैं डिफरेंट किस्म की हैं अब, तो ये समोसा पैटिस की पट्टियाँ थी। तो ये देखिए इस तरह मैंने रोल कर देना है इसको, जितना समोसा होता है, समोसा पैटिस जितना पाकिस्तान में मिलते हैं गोरमे बेकरी से। ये देखिए गाइज, तो यहाँ मायदा फिर से मेरे से खाने आ गई थी कि मुझे फिर से मामा थोड़ा सा खिला दो। माशाल्लाह इतना टेस्टी बना था ये। तो यहाँ पे अब बारी आ गई थी रोल बनाने की, अब मैं रोल बनाने लगी हूँ। ये देखिएगा ये हैं रोल वाली पट्टियाँ, और अभी तक मैं रोल बना रही थी। तो मीन्स आज मैंने बनाया समोसा और समोसा पैटिस और साथ ये रोल, तीन चीजें होगी, समोसा पैटिस और रोल। यहाँ पर जो जिसको नहीं आता रोल बनाना, वो रोल भी सीख लेंगे आज। तो जिस तरीके से मैं बंद कर रही हूँ, गौर से देखें मैं किस तरीके से इसको बंद कर रही हूँ, साइड से पहले करके ताकि साइड से निकले ना, और बस इस तरीके से मैं रोल कर लूँगी पराठा। मैं किचन में आ गई हूँ, यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ फ्रीज कर लिया था, साथ साथ रखती गई थी तो वो फ्रीज होते गए, और इनको मैंने जिपलॉक बैग में ऐसे पैक कर लिया। ये है समोसा पैटिस और ये समोसा, ये रोल हैं कुछ, यहाँ पे भी कुछ समोसा हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ समोसा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रमज़ान प्रिपरेशन बहुत पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में रमज़ान में और अपनी इफ्तार के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और एडवांस रमज़ान मुबारक टू एवरीवन माय एवरी व्यूअर। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।